तो हे गाइस, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं आपको मिला रहा हूँ नए मेहमानों से। एक का नाम है गुन्नू, इसका प्यार प्यार से क्या बोलते हैं? अरे वो नहीं आ रही। वैष्णवी, आपका नाम क्या है? वैष्णवी। सबको नमस्ते बोलो। नमस्ते, प्रणाम बोलो। नमस्ते, प्रणाम। और इसका नाम है, आपका नाम क्या है? जोर से बोलो। प्रणाम। इसका नाम है क्या है? आपका नाम? ईशु। इसका नाम है ईशु। ये हमारे बड़े भैया की बच्चे हैं। तो कल मैं आया हूँ घर, और घर मेरा जो मैंने आपको कहा था कि मैं गढ़वाल जा रहा हूँ, तो ये आजकल मैं अपने घर आया, कल ही आया हूँ मैं यहाँ अपने गांव में। और मेरे गांव का नाम है ग्राम गैड और गैरसन चमोली। ओके, तो अभी हम हैं गैरसन चमोली में और ग्राम गैड में। और ये हमारे ईशु, देखो। हाँ, ईशु ने प्रणाम कर दिया। हाथ, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से हाथ जोड़ के। अभी हमारा सोने का टाइम हो रहा है, और टाइम हो रहा है 3:21। और ये है हमारे मिट्ठू ईशु, इसका प्यार से नाम मिट्ठू है। और ये ऐसे के मेरे पेट में सोती है। और ये हमारी गुन्नू है, इसका नाम है वैष्णवी। और अभी हम लोग सो रहे हैं, तो चलो आंखें बंद कर दो जल्दी से। हाय, नमस्ते। आंखें बंद कर दो, सब सोते हैं। तू गुन्नू मिट्ठू आंख बंद कर दे। तो गाइस, ये मेरा गांव है, गांव वाला घर है ये मेरा। तो इसमें ये देखो, ये हमारी वहाँ पर रख दो। तो ये मेरा घर है, इसमें 2 रूम ऊपर हैं और 4 रूम नीचे हैं। और ये है मेरी मम्मी और मेरी बुआ जी, मेरी ताई, सभी बैठे के ताऊ जी। और ये संतरा का पेड़ है, जो कि गर्मियों में काफ़ी छाव दे होता है सबके लिए। तो सभी गर्मी के टाइम पे इस पेड़ के नीचे आते हैं, बैठते हैं। और ये है हमारा टैंक, जिसमें 24 आवर पानी है। इसका नल का आगे से है। ओके, और ये है हमारा बड़ा सा चौक, ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर के लिए। तो ये है मेरा घर, आप देखिए। ये मेरे ताऊ जी का घर है ऊपर, और ये मेरे भैया का घर है। और जिस छत में अभी मैं हूँ, वो मेरे चाचा जी का है। ये हमारा टेंपल है, हम यहाँ पे पूजा करते हैं। और ये जो मेरा नीचे मार्केट दिख रहा है, मेन मार्केट, ये हमारा मार्केट है। तो आप एक बार व्यू देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। और लास्ट इस चोटी पे, जो लास्ट पॉइंट कर रहा हूँ मैं, वहाँ भी कोई हमारे रिलेटिव रहते हैं। और ये देखो, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा। ये हमारा जंगल है, ये हमारा पूरा इलाका है, देखिए आप पूरा देखिए। और ये देखिए हमारे गांव के खेत, ये जो भी आपको हरा भरा दिख रहा है। आजकल मकई का सीज़न है, तो देखिए ये मकई के पेड़ हैं। ठीक है, हम आपको मकई भी दिखाएंगे अभी नीचे। ये पूरे मकई के पेड़ हैं। और ये देखिए आप मकई के पेड़, ये भी हैं, इसमें देखो मकई हो रखी है। देखा, ये मकई हो रखी है इसमें। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा गाँव है, ये देखो कितना प्यारा सा पर्वत है। ये पूरा हमारा गढ़वाल है, और ये हमारा क्षेत्र है, जो कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और ये देखिए संतरे का पेड़, जिसके नीचे सभी बैठते हैं छाया के लिए। और देखिए कितने प्यारे प्यारे संतरे हो रखे हैं, हरे भरे संतरे। जब ये पकते हैं तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये संतरे का पेड़ है, और इसके बगल में ये आड़ू का पेड़ है, देखो आड़ू भी हो गए। और ये जो मैंने कहा ना आपको टैंक, इसका फ्रंट में ये मेरी भाभी जी, देखो बर्तन धो रही है।
और ये है हमारे चाचा जी का घर, और हमारे चाचा गवर्नमेंट टीचर हैं, और ये उनके घर के पीछे आंगन है, और ये पूरा बैठने के लिए है। देखो ये कितना प्यारा संतरे का पेड़ है, छोटा सा। और मैं और गुन्नू बैठे हैं यहाँ पे, और ये हमारी भाभी आ रही है चाय लेके। भाभी हाय बोलो। हाय बोलो। अभी मैं आया हूँ अपने भैया के घर में, और ये हमारे भैया साहब का घर है, और ये मेरी भाभी है। भाभी हाथ पकड़ो, भाभी ऐसा करो। मेरी भाभी अभी गेहूँ को फेंट रही है, ये देखो। वो हमारी बड़ी भाभी है, हाय बोल दो। भाभी हाय तो बोलो। ये हमारा ऋषभ है। हेलो फ्रेंड्स। कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे फ्रेंड्स को? सो प्लीज़ मेरे चाचा की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे चाचा के सब्सक्राइबर बढ़ जाए। थैंक यू सो मच ऋषभ। होने चाहिए ना। या थैंक यू सो मच। और इसकी बड़ी दीदी, इसका नाम ऋषभ है, इसकी बड़ी दीदी सोई है अंदर जी। नीनो क्या था नखरेई नीनो नखरेली। और उसके मम्मी पापा भी अंदर सोए हैं। ये हमारे गांव के बच्चे हैं छोटे छोटे, देखो हाय कर रहे हैं मुझे। ये मेरा गांव है, और ये टंकी है हमारे गांव की, जहाँ पे सभी लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। नहाते नहीं हैं, बट कपड़े वपड़े धोते हैं अपने, पानी वानी भरते हैं। और ये देख रहे होंगे आप, ये भगवान जी का त्रिशूल, भोलेनाथ का त्रिशूल। ये हमारे गढ़वाल में रीति रिवाज है, हर किसी के घर में आपको ऐसे छोटे छोटे डब्बों में या कहीं भी ऐसे भगवान की मूर्ति हो गई, या त्रिशूल हो गया, या कुछ भी चिमटा, कुछ भी भगवान का लगाते हैं। ये हमारे पूरे उत्तराखंड का एक रिवाज है, कल्चर है। तो ये है रिया, जो ऋषु का बड़ी दीदी है। और रिया आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बोला, थैंक यू सो मच। ये है अरुणा दीदी, इसका नाम अरुणा दीदी है इसका नाम। और ये पंकज की बुल्ली है, छोटी बुल्ली। और हमारा भी एक हीरो ऊपर है, वो अभी आएगा नीचे। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आशा है कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगा, एंड इस व्लॉग को लाइक करना, एंड चाचा के चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप चाचा के बन के करा दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइज, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, यस। और बाकी हम आपको गाँव का और भी व्यूज दिखाएंगे कल या परसों में। आज तो मैं छोटा सा बनाएंगे, अपना घर दिखाया मैंने, अपने चाचा लोगों का, मामा बहन लोगों को जो भी है उनका दिखाया। और बाकी हम आपको कल से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएंगे और आपको अपडेट करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए। बाकी के टाइम डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, डू डबल, बट डोंट ट्रोल पेरेंट्स, डोंट ट्रोल योर फ्रेंड्स, एंड डोंट ट्रोल मी, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, और खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। बाय, जय हिंद, जय भारत।